वेलकम टू प्रियास किचन गाइस। आज बनाते हैं थोड़ी डिफरेंट स्टाइल का कढ़ाई पनीर मसाला। तो हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आपको चाहिए कैप्सिकम्स, ये मैंने रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर और ग्रीन कैप्सिकम ली हुई है। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आप इस तरह से कट कर लीजिए। टोमेटो प्यूरी चाहिए, कटा हुआ प्याज, इसमें गार्लिक है और हरी मिर्च साथ में कटी हुई है। सूखे मसालों में मैंने नमक, देगी मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कसूरी मेथी लिए। ये कुछ खड़े मसाले हैं जिनके साथ हम कढ़ाई पनीर का मसाला भून के बनाएंगे। तेज पत्ता, साबुत जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, मोटी इलायची, स्टार अनीस, सिनेमन स्टिक, सूखी लाल मिर्च और लौंग। ये पनीर को बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। जिंजर गार्लिक का रेडीमेड पेस्ट भी हमारे पास तैयार है। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा कढ़ाई पनीर। ये सब खड़े मसाले हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे नॉनस्टिक पैन में। तो इसको आप हाई फ्लेम पर भून सकते हैं। आपको जीरे की खुशबू आने लगेगी, लौंग वगैरह की, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मसाला जो है वो रोस्ट हो गया। अब इसको कूल डाउन करके हम जार में मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमने कोर्सली इसको ग्राइंड कर लिया और ये हमारा आप कह सकते हो गरम मसाला अपना घर का तैयार हो गया है, कढ़ाई पनीर मसाला। तो ये मैंने एक नॉनस्टिक पैन में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसको हम अच्छे से हीट होने देंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चॉप्ड अनियंस, गार्लिक और ग्रीन चिली। इसको हम हल्का सा पिंक सा करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, थोड़ा सा सौते करेंगे इसको। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का रेडीमेड पेस्ट। तो ये लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरे। ये टोमेटो को ब्लेंड किया हुआ है। और अब ये मसाला हम अच्छे से भूनेंगे इधर। तब तक हम मीनवाइल दूसरी गैस पर फ्राई पैन में सॉटे करेंगे अपने वेजिटेबल्स और पनीर को। तो इसमें मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डाला हुआ है और ये ऑयल हीट हो चुका है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक इन वेजिटेबल्स के अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट और मशी हो जाए। 2 मिनट ढक कर कुक करिए। तो गाइस यहाँ हमारा प्याज टमाटर का जो मसाला भून रहा है इसमें हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये सब कुछ कसूरी मेथी, नमक, देगी लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, कोरिएंडर पाउडर और जीरा पाउडर। तो ये सब कुछ मैंने इधर डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और हम इस मसाले को लो फ्लेम पर थोड़ा सा पकने देंगे। इसमें थोड़ा सा आप पानी ऐड कर सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी के लिए। अब हम अपनी वेजिटेबल्स को देख लेते हैं जो सौते हो रही हैं, कुक हो रही हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है हमें कैप्सिकम्स। मैं इनको थोड़ा सा साइड करके इसी पैन में अपने पनीर के क्यूब भी जो हैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अभी हम इन सब वेजिटेबल्स और पनीर पे हल्का सा हींग स्प्रिंकल करेंगे और साथ में डालेंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ कढ़ाई पनीर मसाला। जितना किया है वो सारा नहीं डालना, आपको अपनी वेजिटेबल की क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। आप उसको स्टोर कर सकते हैं और किसी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मसाला है। इस तरह से थोड़ा टॉस कर लीजिए इसको। और इधर हम देखेंगे तो हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे अपनी वेजिटेबल्स और पनीर। इसको बहुत ही लाइटली मिक्स कर लेंगे एक बार ताकि सारी ग्रेवी जो है वो सब जगह कोट हो जाए अच्छे से। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको 3 से 4 मिनट्स ढक कर कुक करेंगे। बस इतना सा
क्लोज द लिड एंड लेट इट सिट ऑन लो फ्लेम फॉर 3 to 4 minutes. तो गाइज आफ्टर 3 to 4 minutes हमारा कढ़ाई पनीर ऑलमोस्ट रेडी है. मैं फ्लेम स्विच ऑफ कर रही हूँ और अब हम इसमें 1 spoon फ्रेश क्रीम डालेंगे, बस इतनी ही. तो हमारा कढ़ाई पनीर हो गया है रेडी, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का. आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा. इसे आप नान चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लजीज लगेगा खाने में. बनाकर आपको खुशी मिलेगी, अपने परिवार वालों को भी खिलाइए और हमें बताइए आपको कैसा लगा. अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.